कि फोर्थ वाला देखिएगा कि पी इक्वल टू वन टू है तो फॉर्म दी सेट ऑफ पी क्रोस पी क्रॉस पी अब की बार क्या हुआ भाई पी क्रॉस पी का मतलब क्या आ गया ट्रिपलेट वाले आ गए इसमें है ठीक है समझ में आई बात तो यहां से देखिएगा कि पी क्रॉस पी का मतलब क्या है यहां से क्या है पी क्रॉस पी का मतलब यहां से क्या आएगा पी इस्म पी स्मॉल पी such दैट पी बिलोंगिंग टू पी ठीक है इस प्रकार से इस प्रकार के यहाँ पे सेट आने वाले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई तीन हैं तो इसको कैसे लिखते हैं ठीक है इसका तो यहाँ से देखिएगा कि P क्रॉस P कैसे लिखते हैं देखिएगा कि पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बनने वाले एलिमेंट्स कितने आएंगे भाई टू इंटू टू इंटू टू कितने भाई एट यानी कि यहाँ पे एट एलिमेंट्स आने वाले हैं तो एट ब्रैकेट बना लो पहले तो ये फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे क्लियर पहले हम क्या करेंगे भाई यहाँ से पी को पकड़ेंगे भाई तो यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट है वन और टू एलिमेंट है दो ही तो हैं अब क्या करते हैं दो है तो देखिएगा कि वन को फोर टाइम्स लिखो यहाँ पे पहले फिर दूसरे को भी फोर टाइम्स लिखो टू को कितनी सुंदर इजी सी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको फिर यहाँ पे इसका देखिए ये फोर टाइम था ना इसका हाफ कर दो वन फिर यहाँ पे देखो टू फिर यहाँ पे टू कर दो फिर यहाँ पे क्या कर दो वन कर दो यहाँ पे वन कर दो फिर यहाँ पे टू कर दो और यहाँ पे टू कर दो ठीक है फिर आगे यहाँ पे एक बार सिंगल सिंगल दे दो एक वन टू फिर यहाँ पे क्या आएगा वन टू फिर यहाँ पे क्या आएगा वन टू ठीक है फिर यहाँ पे क्या आएगा वन टू फिर यहाँ पे आएगा टू ठीक है वन टू आ गया ठीक है वन टू वन टू वन टू फिर यहाँ पे भी वन और लास्ट में भी टू इस प्रकार से अपने पास देखिएगा इसके क्या आते हैं कार्टिशन प्रोडक्ट्स का सेट आ जाता है अपने पास ये और ये ऑर्डर पेड आए और ये इनका क्या हो गया कार्टिशन प्रोडक्ट हो गया ठीक है